साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया की कुछ सबसे पावरफुल और ख़तरनाक मशीन्स के बारे में, जिनके काम को देखकर आप पूरी तरह से चौंक जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। ये है मोरोस। ये एक कार बेलिंग मशीन है जिसका इस्तेमाल पुरानी हो चुकी वेस्ट कारों को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। ये एक हाइड्रोलिक मशीन है जो कि अपनी हाइड्रोलिक पावर से कार को दबा दबा कर कंप्रेस कर देती है। आप देख सकते हैं कि ये मशीन कैसे इस कार को अपने हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म के ऊपर रखकर दोनों तरफ से दबा दबा कर कंप्रेस करती जा रही है, और लास्ट में आप देख सकते हैं कि ये मशीन इस कार को कितने छोटे साइज में कंप्रेस कर देती है। इस तरह से इन हाइड्रोलिक मशीनों के जरिए इन फैक्ट्रीज में इन कारों को छोटे साइज में कंप्रेस कर दिया जाता है, जिससे इनके रिसाइकिल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में इन्हें ट्रक में लोड किया जा सकता है। यह है जेनेसिस XT। ये एक काफ़ी पावरफुल हाइड्रोलिक मशीन है जिसका इस्तेमाल लोहे के मटेरियल को स्क्रैप में बदलने के लिए किया जाता है। ये मशीन बड़े बड़े लोहे को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करती है। इस मशीन में एक काफ़ी पावरफुल हाइड्रोलिक जॉ लगी है जो कि भारी से भारी लोहे को एक झटके में तोड़ देती है। आप देख सकते हैं कि ये मशीन अपने हाइड्रोलिक पावर की मदद से कितनी आसानी से लोहे के पाइप और इन भारी भारी चैनल्स को काट रही है। इस तरह से इस मशीन की मदद से भारी भारी लोहे को स्क्रैप में बदला जाता है ताकि इनका फिर से रिसाइकिल किया जा सके। ये है रॉक व्हील। ये भी एक कमाल का टूल है जो कि पथरीली सतह पर खुदाई करने के लिए बनाया गया है। इस मशीन अटैचमेंट में आगे की तरफ एक ट्रेंचिंग व्हील लगा है जो कि लगातार रोटेट होते हुए ज़मीन की खुदाई करते रहता है। इस मशीन अटैचमेंट का इस्तेमाल ज़्यादातर घरों की नींव की खुदाई के लिए किया जाता है, क्योंकि पथरीली सतह पर हाथों से सोवेल की मदद से खुदाई करना काफ़ी मुश्किल काम होता है, इसलिए ऐसी पथरीली सतहों पर इस तरह की मशीन के द्वारा खुदाई की जाती है। ये है पैकमेट। ये एक वेस्ट कॉम्पैक्टर मशीन है जिसका इस्तेमाल कचरे को दबाने के लिए किया जाता है। इस मशीन अटैचमेंट में आगे की तरफ एक कांटेदार रोलर लगा है जो कि कचरे को कंप्रेस करने का काम करता है। इसमें सबसे पहले कचरे को एक कंटेनर में लोड कर दिया जाता है और फिर इस रोलर को इस कंटेनर में भरे कचरे के ऊपर चलाया जाता है। ये रोलर कचरे को दबाते हुए उसे कंप्रेस करता जाता है। ये रोलर कचरे के ऊपर काफ़ी प्रेशर डालता है जिससे कचरा टूट टूट कर काफ़ी कम साइज में कंप्रेस हो जाता है। इस तरह से कचरे को कंप्रेस करने से ज़्यादा कचरे को कंटेनर में लोड करके आगे भेजा जाता है। ये है लेरू D95। ये एक स्नो ब्लोवर मशीन है जो कि सड़कों पर से बर्फ़ हटाने का काम करती है। बर्फीले क्षेत्रों में अक्सर बर्फबारी के दौरान सड़कें पूरी तरह से बर्फ से ढक जाती है। इन्हीं बर्फ को सड़कों से हटाने के लिए इन स्नो ब्लोवर मशीनों को चलाया जाता है। इन मशीनों में आगे की तरफ एक फास्ट रोटेटिंग कटर लगा होता है जो कि तेजी से रोटेट होते हुए बर्फ को काटते जाता है, और इस मशीन में एक पंप भी लगा है जिसकी मदद से ये मशीन बर्फ को लगातार दूर फेंकते रहती है। और इसी तरह की एक और बर्फ हटाने की मशीन आती है जिसमें कि आगे की तरफ वी शेप में ब्लेड लगी होती है। ये मशीन सड़क पर पड़ी बर्फ को चीरते हुए आगे बढ़ते जाती है। बर्फ पर इस मशीन के टायर की ग्रिप अच्छी बनी रहे इसके लिए इसके टायर को चेन से कवर किया गया होता है। ये मशीन काफ़ी पावरफुल है। ये बर्फ को काफ़ी तेजी से साइड करते हुए उसमें से रास्ता बनाते जाती है। ये है ब्रश रैक। इस मशीन का इस्तेमाल ज़मीन पर पड़े हुए कचरे को साइड में इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। इस मशीन अटैचमेंट में कई सारे रोटेटिंग व्हील लगे हैं जो कि एक साथ रोटेट होते हुए चलते हैं। जब इस मशीन को कचरे के ऊपर चलाया जाता है तो ये सभी व्हील रोटेट होते हुए कचरे को साइड में इकट्ठा करते जाते हैं। जब खेतों में या फिर जंगलों में पेड़ों को काट दिया जाता है तो बचे हुए कचरे को इस तरह की मशीनों द्वारा एक तरफ इकट्ठा किया जाता है ताकि इनको आसानी से उठाया जा सके। ये है माउंटेन माइनिंग। पहाड़ों की खुदाई के लिए भी बड़ी बड़ी और पावरफुल मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन एक्सकेवेटर की मदद से इस पहाड़ की चट्टान को खोदा जा रहा है। इस तरह की माइनिंग पहाड़ों में से कीमती धातुएं निकालने के लिए की जाती है, और ये काम इन मशीनों द्वारा काफ़ी सावधानी से किया जाता है। जब इन मशीनों द्वारा चट्टान को तोड़ लिया जाता है तो फिर इन्हें ये मशीन डायरेक्टली ही पहाड़ के नीचे खाली जगह में गिरा देती है। पहाड़ से इन चट्टानों को गिराने का काम कितना रिस्की है इसे देखकर ही आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। यह है हेलीकॉप्टर ट्री सो। ये एक काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है
जिसमें हेलीकॉप्टर की मदद से पेड़ों की टहनियों को काटा जाता है। इसमें सबसे पहले एक हेलीकॉप्टर से ट्री कटिंग शो को बांध दिया जाता है। इस ट्री कटिंग शो में 10 कटिंग व्हील लगे हैं जो कि रोटेट होते हुए पेड़ों की कटाई करते हैं। जब इस हेलीकॉप्टर को उड़ाया जाता है तो ये कटिंग ट्री शो इससे अटैच कर दी जाती है। फिर इस हेलीकॉप्टर को उन पेड़ों के ऊपर चलाया जाता है जिनके टहनियों को काटना होता है। जैसे जैसे इस हेलीकॉप्टर को आगे की ओर बढ़ाया जाता है, ये शो पेड़ों की टहनियों को काटती जाती है। इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बिजली की हाई टेंशन लाइन के आसपास वाले पेड़ों को काटने के लिए किया जाता है, क्योंकि अगर इन पेड़ों की टहनियों को काटा नहीं जाए तो इनकी वजह से एक बड़ा हादसा हो सकता है। यह है बैक्स मशीन। इस मशीन का इस्तेमाल गार्डन में वॉकिंग ट्रैक्स को क्लीन करने के लिए किया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि गार्डन्स में वॉकिंग ट्रैक्स के ऊपर कुछ समय बाद अनवांटेड घास फूस उग जाती है, जो कि इन वॉकिंग ट्रैक्स की खूबसूरती को भी कम करती है। इसीलिए इस तरह की पावरफुल मशीन को बनाया गया है जिनको इन वॉकिंग ट्रैक्स के ऊपर चलाया जाता है। इस मशीन में लगा रोटेटिंग ब्रश लगातार घूमते हुए इन वॉकिंग ट्रैक्स को क्लीन करते जाता है, और इसमें एक कटिंग ब्लेड भी लगी है जो कि घास को वॉकिंग ट्रैक्स के ऊपर से काटती जाती है और उसे एक परफेक्ट शेप देती जाती है। यह है किनसोफर। ये एक स्लीपर चेंजिंग मशीन है जिसका इस्तेमाल रेलवे ट्रैक्स के ख़राब हो चुके स्लीपर्स को बदलने के लिए किया जाता है। इस मशीन में दो तरह के अटैचमेंट लगे हैं, जिनमें एक होल्डिंग जो और एक सोवेल लगा है। इसमें लगे सोवेल की मदद से पहले तो गिट्टी को स्लीपर्स के ऊपर से हटाया जाता है, और फिर इसमें लगे होल्डिंग जो की मदद से स्लीपर को बाहर निकाल लिया जाता है, और फिर इसी तरह से इसमें एक नया स्लीपर वापस से इस होल्डिंग जो की मदद से लगा दिया जाता है। फिर एक वर्कर के द्वारा इन स्लीपर्स के हुक को एक टूल की मदद से टाइट कर दिया जाता है, जिसके बाद ये स्लीपर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। फिर इस पर फिर से इस सोवेल की मदद से गिट्टी को डाल दिया जाता है। इस तरह से इस मशीन की मदद से रेलवे स्लीपर्स को काफ़ी आसानी से बदल दिया जाता है। यह है मेंटसिनन। ये एक काफ़ी कमाल की मटेरियल होल्डिंग मशीन है जिसका इस्तेमाल समुद्री जहाज़ों में से माल को लोड और अनलोड करने के लिए किया जाता है। इसकी मदद से जहाज़ों में कंटेनर को इधर से उधर पहुंचाया जाता है। इसमें कंटेनर होल्डिंग के लिए एक अटैचमेंट लगाया गया है जो कि एक पूरे कंटेनर को उठाकर जहाज़ में लोड कर देता है। ये मशीन अटैचमेंट कंटेनर को चारों तरफ से ग्रैब करके उसे अच्छी तरह से लॉक कर देता है, और फिर उसे उठाकर इसकी सही जगह पहुंचा देता है। और इसमें एक और सी हुक नाम का अटैचमेंट मिल जाता है जिसकी मदद से स्टील की बड़ी बड़ी कॉइल्स को उठाकर जहाज़ों में लोड और अनलोड किया जाता है। यह अटैचमेंट दो स्टील कॉइल को एक साथ होल्ड करके काफ़ी सुरक्षित तरीके से जहाज से बाहर निकाल देता है। और इसमें एक और तरीके का मशीन अटैचमेंट मिल जाता है जिसकी मदद से समुद्री जहाज़ों में से कोल को निकाला जाता है। इस मशीन अटैचमेंट में एक बहुत बड़ा बकेट लगा होता है जिसकी कैपेसिटी 100 टन से भी ज़्यादा है। इस तरह के बड़े बड़े मशीन अटैचमेंट का इस्तेमाल समुद्री जहाज़ों से माल को लोड और अनलोड करने के लिए किया जाता है। यह है रॉक्स गोन। इस मशीन का इस्तेमाल ज़मीन पर पड़े पत्थरों को तोड़ने के लिए किया जाता है। इस मशीन में बीच में एक सोवेल लगाया गया है जो कि ज़मीन में से पत्थरों को खोदकर निकालते जाता है, और इस मशीन में पीछे की तरफ एक स्पेशली डिजाइन ड्रम लगाया गया है जो कि पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में क्रश करते जाता है। जब ये मशीन ज़मीन पर चलती है तो पत्थर इसमें से कटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदलते जाते हैं। कुछ मैदानी इलाकों में ज़मीन पर पत्थरों की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए इस तरह की मशीनों द्वारा इन पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर ज़मीन को खेती करने लायक बनाया जाता है। यह है लीबेर HS895। यह एक ड्रैगलाइन एक्सक्वेटर है जो कि स्पेशली पानी में काम करने के लिए बनाया गया है। इस मशीन में एक बकेट को कुछ चेन और केबल्स के जरिए क्रेन से बांधा गया होता है। जब पानी में से मिट्टी को निकालना होता है तो इस तरह की ड्रेजिंग एक्सक्वेटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बकेट को इस क्रेन के जरिए ऊपर से गिराया जाता है, और फिर इस बकेट को केबल्स के जरिए आगे की तरफ खींचा जाता है। ऐसे करके इसमें से मिट्टी को निकाला जाता है, और इस बकेट में छोटे छोटे छेद भी हैं जिस वजह से पानी इसमें से फिल्टर हो जाता है और इसमें केवल मिट्टी रह जाती है। इस तरह से इस एक्सक्वेटर की मदद से पानी से मिट्टी को निकालने का काम किया जाता है। दोस्तों, आपको ये सभी मशीनें कैसी लगी अपने विचारों में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।